हुंडई क्रेटा जब मार्केट में नई नई अभी रिसेंटली इसका जब ये वाला फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था तो लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगी थी वेन्यू जैसी, और कह रहे थे कि ये वाली गाड़ी नहीं बिकेगी, इसने मतलब क्रेटा की लेगेसी ख़राब कर दी है। पर सीरियसली बताऊँ अभी के टाइम पे मतलब इसकी सेल्स भाई एकदम नेक्स्ट लेवल। मतलब बेस मॉडल तो इतने मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसके बाकी सभी वेरियंट लेते हो डीजल में तो आपको करीबन अभी 1.5 से 2 महीने की वेटिंग है। मतलब इनका प्रोडक्शन वैसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है तो आपको गाड़ी काफ़ी जल्दी अवेलेबल हो जाती है। बाय द वे गाड़ी में आपको कुछ इस तरीके की मिलती है, इसमें 4 आपको बटन मिलते हैं, वही लॉक अनलॉक एंड होल्ड गन पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी एंड बूट रिलीज का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, और सेम आपको की मिलती है जो पहले दी जाती थी। और ये है हमारी द ऑल न्यू हुंडई क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें आपको 1500 cc का डीजल इंजन है वो इस गाड़ी में ऑफर किया गया, और टॉप मॉडल है SX ऑप्शनल वाला। बाकी इस गाड़ी में एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, देखो सब कुछ बढ़िया है, बस इसके अंदर जो ऑटोमेटिक वाइपर्स है वो हमें नहीं मिलते, लेकिन आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलते हैं, साथ में उसके अंदर जो फॉलो मी हेडलैम्प का फंक्शन है वो भी दिया गया है। बाकी फ्रंट से आपको कुछ इस तरह का लुक मिलता है, आपको जो डे टाइम रनिंग इसकी कनेक्टेड DRL है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग कैमरा बाय द वे गाड़ी के अंदर आपको एडास मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरे की कवरिंग मिल जाती है। फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, पुरानी क्रेटा के अंदर हम जो फ्रंट पार्किंग सेंसर वो काफ़ी ज़्यादा मिस करते थे, बट अभी वो चीज़ भी हमें देखने को मिल जाती है गाड़ी में। एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको मतलब चाहे इसका बेस मॉडल हो टॉप मॉडल हो सबके अंदर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में सभी वेरियंट्स के अंदर आपको 4 डिस्क ब्रेक ये गाड़ी ऑफर करती है, सबके अंदर आपको सेम फ्रंट में ऐसी स्किड प्लेट मिलती है, बेस मॉडल और टॉप मॉडल में सेम ऐसी स्किड प्लेट आपको रियर में भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। ऑल आपको लाइट का सेटअप LED देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट मिलती है लेकिन ये LED आपको देखने को मिलती है। LED का थ्रो मतलब इसकी लाइट्स का थ्रो पहले उतना अच्छा नहीं था, बट अभी लाइट का थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। ग्रिल में आप देखो, ग्रिल में आपको यहाँ पे देखो जैसे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वो देखने को मिल जाता है। इवन इसके जो कुछ सेंसर है वो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, इनका जो लॉक है वो आप ओपन कर सकते हो, तो मे बी शायद R&D टीम को इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए या फिर नेक्स्ट थोड़े टाइम बाद में इसे कुछ अपडेट करके थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। कुछ इस तरह ग्रिल मिलती है, आपको इनका 2D लोगो है वो देखने को मिल जाता है। आपके साथ भी ऐसा जरूर होगा जब आप कोई ब्रांड न्यू गाड़ी लोगे तो इस पे कुछ इस तरह के जो रिबन्स हैं वो लगे हुए आएंगे, तो भाई सही बताओ ना मतलब गाड़ी जैसे यहाँ से लेके जाओ ना तो घर जाके इनको उतार देना, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ये मतलब आपकी गाड़ी पे काफ़ी तगड़े स्क्रैचेस बना देंगे और अच्छे से वो फिर ऐसे वी कट में नज़र आएगा, तो मेक श्योर इनको जाते ही ज़रूर रिमूव कर देना, क्योंकि देखो गाड़ी बाहर कहीं भी खड़ी रहती है डस्ट वगैरह होती है, और गाड़ी जब चलती है तो एयर के प्रेशर से ये हल्के फुल्के इधर उधर होते हैं, फ्रिक्शन होता है तो मिट्टी से फिर यहाँ पे जो स्क्रैचेस है वो क्रिएट हो जाते हैं, दैट्स वाई इनको ज़रूर रिमूव कर देना। साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट इस गाड़ी की आज भी सेम है, वैसी ही नज़र आती है। टॉप मॉडल के अंदर आपको देखो यहाँ पे क्रोम वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल भाई बखूबी आज भी वैसी ही नज़र आती है, लेकिन बात करते हैं माइलेज की कि भाई 1500 cc का डीजल इंजन है, अपने पास ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है तो माइलेज कितना देती है, तो मैं आपको सिर्फ इसी का माइलेज नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल में कितना है और डीजल में कितना है, ऑटोमेटिक मैनुअल सबका बताने वाला हूँ। अपने पास है डीजल ऑटोमेटिक तो ये देता है 19 का माइलेज, अगर आप इसमें मैनुअल लेते हो तो आपको माइलेज मिलेगा 21 का, और अगर आप लेते हो पेट्रोल में तो कंपनी बता रही है मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में 17 का माइलेज है, लेकिन मैं सीरियसली बताऊं तो अगर आप लेते हो पेट्रोल ऑटोमेटिक तो आपको उसके अंदर करीबन 15 का जो माइलेज है वो ये गाड़ी निकाल के देने वाली है। क्रेटा की साइड प्रोफाइल आज भी आपको वैसी ही देखने को मिलेगी, वही पहले की तरह 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, 2610 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है। बस इसके जो एलॉयज की डिज़ाइन है भाई मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, हो सकता है देखो सबकी पसंद इंडिविजुअल है, मेरी मुझे अच्छा नहीं लगा, बट हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगा हो, पर इसका जो एनलाइन वाला वेरिएंट आता है उसके भाई एलॉयज इतने ज़्यादा सुंदर है। अगर आपको इसका एनलाइन वाले वेरिएंट का रिव्यू वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है। बाकी देखो ORM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, टर्न इंडिकेटर है, इस पर आपको ये जो 360 डिग्री कैमरा मिलता है, आपको पेडल लैंप देखने को मिल जाता है, और जो लैंड डिपार्चर वार्निंग है वो भी आपको देखने को मिलती है। मतलब अगर इसमें जैसे सेंसर्स लगे हैं तो अगर इधर से कोई भी अगर गाड़ी ओवरटेक आपको करती रहेगी, सपोज़ आपका ध्यान नहीं है, तो यहाँ पे ये आपको इंडिकेट करेगा कि भाई कोई तो व्हीकल है पीछे से जो आपको ओवरटेक कर रहा है, तो आप सावधान हो जाओगे। एंड अभी चलते हैं इंटीरियर में, आपको सिर्फ ड्राइवर साइड जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो क्रेटा के अंदर देखने को मिलता है, सेम यही चीज़ पहले भी आती थी इसमें और आज भी मिलती है, मतलब आपको को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर इस गाड़ी में आज भी देखने को नहीं मिलता। टॉप मॉडल है इसलिए आपको पूरी लेदर की सीट्स मिलती है, आपको ब्रास कॉपर के जो इनसेट्स है उसकी स्टिचिंग वगैरह नजर आएगी, पाइपिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, और सेम यही आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे भी इसकी जो थीम है वो नज़र आने वाली है। गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीकर, 2 ट्विटर और 1 सबवूफर है वो मिलता है, और बोस का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो इस गाड़ी में प्रोवाइड किया गया है, सारे पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं,
मतलब ये चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो कि टॉप मॉडल तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें मिलने वाली है। अभी मेरे पास ऐसी चीज़ है जो गर्मियों में आपको सबसे ज़्यादा सुख है या फिर एक वरदान है आपके लिए, वो है भाई वेंटिलेटेड सीट्स। आपकी फ्रंट की दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड मिलेगी। कई बार क्या होता है ना कि मतलब भले ही हमारी गाड़ी की एसी कितनी भी चिल्ड हो, लेकिन जैसे हम सारा लेके बैठते हैं तो हमारा पीछे का पोर्शन और यहाँ का नीचे का पोर्शन भाई पसीनों से मतलब गीला हो जाता है, हमारे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गीले वगैरह हो जाते हैं। पर यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स है तो ये छोटे छोटे होल देख रहे हो, यहाँ पे एसी की पाइप है नीचे, तो यहाँ से हवा आती रहती है। बाकी आपकी ड्राइवर वाली सीट आपको 6-way पावर एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। इंटीरियर इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया। इस गाड़ी में सबसे बड़ा जो बदलाव है वो आपको इसके इंटीरियर में आएगा। यहाँ पे आपको इसकी जो कनेक्टेड डिस्प्ले है वो मिलती है, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, दोनों ही आपको 10.25 इंच की देखने को मिलती है, तो फुल्ली डिजिटल सारा सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अपने पास एक ड्राइव मोड मिलता है, जिससे आप यहाँ पे जो ड्राइव मोड है वो चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया स्पोर्ट्स, नॉर्मल और ये हो गया अपना इको। तो ये यहाँ पे मतलब थीम भी चेंज होगी जैसे जैसे आप यहाँ से जो अपना डायलर है उससे चेंज करोगे, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड स्पोर्ट्स मोड वाली जो थीम है, आई लव इट। बाकी यहाँ पे आपको नेविगेशन वगैरह हर एक फीचर है वो इसके अंदर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। आपको मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो मिल जाता है, फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर, मतलब सारे जो मतलब जितने भी मीडिया कंट्रोल है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिजिकल बटन इसके अंदर दिया गया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको उसके लिए टच वाले कंट्रोल दिए गए हैं, क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और वो मतलब आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इस तरफ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो गाड़ी चला रहे हो, अगर किसी बटन को अगर दबाते हो तो आपको फील हो जाता है कि हाँ भाई बटन क्लिक हो गया, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। बाकी ऑल न्यू हुंडई क्रेटा के अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स है वो इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, बट फिलहाल अपने पास जैसे टॉप वेरियंट है तो यहाँ पे इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ बताऊँ, मतलब इंडिया के अंदर क्रेटा पहली ऐसी गाड़ी है जो पैनारोमिक सनरूफ का जो ट्रेंड है जिसने यहाँ पे इंडिया में सेट किया था। उसके बाद में तो कोई अभी हर दूसरी तीसरी गाड़ी में आती है, पर ये गाड़ी थी जो मतलब एक लेगेसी क्रिएट कर रही है। आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोप यहाँ पे, स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, और इसका जो बटरफ्लाई वाला स्टेयरिंग व्हील है भाई, मुझे इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है। पता नहीं यार इन्होंने वरना के साथ ऐसा, क्योंकि अगर वहाँ भी ये वाला स्टेयरिंग दे देते तो गाड़ी के लुक्स तो मतलब अभी लोग उसे वैसे पसंद तो कर ही रहे हैं, तो यार पसंद आ जाती लोगों को गाड़ी। लेदर अप स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको, डी कट के साथ मिलता है फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील। सारे आपको ऑडियो कंट्रोल, वॉइस असिस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ देख सकते हो। क्योंकि है अपनी 6-speed ऑटोमेटिक कार डीजल वाली, तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं, तो आप जो मैनुअल वाले फ़ायदे हैं वो भी इस गाड़ी में उठा सकते हो। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, फ्रंट की दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड है वो मिल जाती है, तो ग्लास होल्डर मिलते हैं यहाँ पे, सारा आपको ग्लोव फिनिश के साथ ये वाला जो पैनल है वो देखने को मिलता है। एंड इसकी जो फील है भाई वो नेक्स्ट लेवल है भाई, अनमैचेबल, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ देखो कि आपको ब्रास कॉपर के जो इंसर्ट्स हैं वो नजर आएंगे, यहाँ पे आपको जो एम्बियन लाइट है वो इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि दिन का टाइम है, रात में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। आपको यहाँ पे डुअल टोन फिनिश है वो डैशबोर्ड में नजर आएगी, एक स्पीकर आपको यहाँ भी मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। एसी वेंट्स के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रखी गई इस गाड़ी में। आपको ऑटो डिमिंग डे नाइट IRVM इसका मिलता है, SOS, RSA एंड ब्लू लिंक का फीचर है वो मिल जाता है। देखो ये होता है मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो पुलिस वगैरह या जो भी इमरजेंसी मतलब सर्विस है वो आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी। RSA अगर कोई मतलब गाड़ी कहीं पे ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए तो इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके लिए RSA का जो ट्रक है वो आ जाएगा, आपकी गाड़ी को पिकअप करके वहाँ से ले जाएगा। ब्लू लिंक का फीचर है, मतलब इससे इस गाड़ी के आप काफ़ी सारे फीचर्स अपने मोबाइल की मदद से ही एक्सेस कर सकते हो, और ये चीज़ें मुझे शायद आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। वैसे ही वायरलेस चार्जर मिल जाता है, USB पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, एक टाइप सी पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। बदकिस्मती से इस गाड़ी के अंदर आपको जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नहीं मिलता, बस यही एक थोड़ी सी खटकती है चीज़। आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट है वो मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको स्टोरेज मिल जाता है। ग्लव बॉक्स आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, डिसेंट इनफ स्टोरेज इसमें भी प्रोवाइड किया गया है। वैसे इस गाड़ी के स्पेस के बारे में मुझे ज़्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गाड़ी की देखो लेंथ वगैरह उतनी ही है तो स्पेस वगैरह उतना ही है, बस कुछ हल्का फुल्का मेकअप वो गाड़ी में कहीं ना कहीं किया गया है। लेग रूम, नी रूम, हेड रूम, तो इतना हेड रूम मिल जाता है, और रियर से आपको कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड नज़र आएगा, तो गाड़ी भाई वाकई में बहुत ही प्रीमियम लगती है। दो AC वेंट मिल जाते हैं, दो टाइप सी आपको फास्ट चार्जर मिल जाते हैं, यहाँ पे स्टोरेज मिलता है, बीच में छोटा सा हम्प मिलता है, और ये हो गया आपका आर्मरेस्ट जिसमें आपको दो कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सीट वगैरह काफ़ी अच्छी है, रिक्लाइन एंगल इनका काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है,
और यहाँ पे आपको जो रीडिंग लैंप है वो भी ऑफर किया गया है, और ये आपको जो सन ब्लाइंड्स है वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। रियर में दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, फ्रंट के दोनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, और आपका जो सीट बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल इसके अंदर देखने को मिलता है। और ये है आपकी क्रेटा के रियर प्रोफाइल। तो अपने पास एसएक्स ऑप्शनल मॉडल है इसका डीजल ऑटोमेटिक के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एसएक्स की बेजिंग मिलेगी। और रियर में आपको देखो चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ये आपका रिवर्स लैंप हो जाता है, आपको लोगो इस टेल लाइट के अंदर ही इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है। अगर बेस मॉडल लेते हो तो ये वाला क्यूब नहीं आता, सिर्फ ये वाला पार्ट ही देखने को मिलता है, वो भी हलोजन। और यहाँ पे जैसे तो काफ़ी बड़ा मतलब बूट स्पेस इसके अंदर ऑफर किया गया है, 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं, और ये है आपका बोस का सबवूफर यहाँ पे दिया गया है। एलॉय व्हील 17 इंचेस के हैं, स्टील रिम जो स्पेयर व्हील है आपको इसके अंदर 16 इंचेस का देखने को मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे जो बूट लैंप है वो भी इस गाड़ी में ऑफर की गई है, जो कि हलोजन है। बाकी गाड़ी के अंदर आपको जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो मिलता है, आपको नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है, रियर वाइपर डिफोगर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और यहाँ पे आपका स्पॉइलर, और ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना भी इस गाड़ी में ऑफर किया गया है। सो गाइज, ये था ऑल न्यू हुंडई क्रेटा का ओवरऑल रिव्यू। हर एक चीज़ मतलब मैंने आपको मतलब ऐसा नहीं है कि शोरूम पे खड़ा हूँ तो मैंने इस गाड़ी की बस तारीफ की है, कुछ चीज़ें कमियाँ हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से गिनवाई है, और कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी वो भी बताई है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।